हेलो डियर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज क्लास 11th की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 10th हमारा है स्ट्रेट लाइन का, उसको शुरू करेंगे। आज हम चैप्टर की सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में समझेंगे अच्छे से। तो बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें आपकी रहेंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब जब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो चैप्टर का नाम जो आपका वो है स्ट्रेट लाइन। जो चैप्टर हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइन का। तो क्लास 10th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक उसका ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर हम कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या क्या आइडेंटिटीज फॉर्मूले हमने यूज किए थे। बच्चों जब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो दो लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइनें लेकर चलते, ज्योमेट्री आपकी इसी पर बेस रहेगी। दो लाइन जो कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगी। जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, और जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। क्योंकि बच्चों इनका यूज हमने इस चैप्टर में करना है, इसलिए इनको रिवाइज करना थोड़ा सा जरूरी है। जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करते उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। और ये इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो चार हमारे क्वाड्रेंट बन जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जबकि रहेंगे ऑर्डर पेयर, किसका ऑर्डर पेयर, कोऑर्डिनेट्स का, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड की बात करूं तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहां पर दोनों नेगेटिव, यहां पर एक्स पॉजिटिव वाई आपका नेगेटिव रहेगा। और कोई आपका कोऑर्डिनेट्स लाई करता लाइन पर, तो बच्चों वहां पर क्या रहेगा, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, कोई पॉइंट आपका लाई करता एक्स एक्सिस पर, आपका किस फॉर्म में रहेगा, एक्स जीरो फॉर्म में रहेगा। अगर वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है तो फिर आपका क्या रहेगा, माइनस एक्स जीरो। अगर वाई की बात करूं अब तो ओरिजिन, क्योंकि हम जब सम करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे, तो आपका जीरो वाई की फॉर्म में रहेगा, और बिलो द ओरिजिन आपका रहेगा तो क्या रहेगा, आपका जीरो माइनस वाई, इस फॉर्म में आपका वो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो इनका हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। अब कुछ फॉर्मूले हमने किए थे 10th क्लास में, उनका एक फटाफट रिवाइज कर लें। हमने बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या था बच्चों, अगर दो पॉइंट हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लेके चलें, तो फॉर्मूला आपके पास कुछ इस प्रकार सा था। अगर पी के हम पॉइंट को लेट कर लें तो एक्स टू माइनस एक्स वन इसका होल स्क्वायर, और प्लस में वाई टू माइनस वाई वन इसका होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया था क्लास 10th में, चैप्टर 7th आपका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ भी यूज करेंगे। और एक हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला किया था, जो कि किससे बन जाएगा आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला से बना। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, उसका यूज क्या यहां पर रहेगा वो भी समझ लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन का मतलब है पार्ट, भाग करना किसी चीज के। तो क्या हमने उसमें किया था, अब यहां पर क्या रहेगा, इंटरनली और एक्सटर्नली की बात यहां पर करेंगे। जब किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, एक लाइन सेगमेंट ए बी हमने लिया, कोई पॉइंट पी है इसको डिवाइड करता इंटरनली, ध्यान रखिए इंटरनली। अब एम और एन यहां पर रेशो हम लेके चलेंगे, ये पॉइंट्स को हम क्या लेंगे, एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू, ये पॉइंट्स लेके चलेंगे हम। तो बच्चों अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जो पी पॉइंट आपका होगा इसको हम क्या लेंगे, एक्स वाई। तो पी वाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे पी पॉइंट्स के, तो हम इसको क्रॉस करेंगे और एम को इनके साथ करेंगे वन बाई वन। कैसे, जब मुझे निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट्स किसका, पॉइंट पी का, जो इसको इंटरनली डिवाइड कर, ध्यान रखिए बार बार इंटरनली डिवाइड इसको करेगा, तो क्या रहेगा, एम को एक्स के साथ एम एक्स टू, फिर एन को एक्स वन के साथ, यानी कि एम टू सॉरी एम एक्स टू
प्लस एन एक्स वन और यहां पर इनका सम, ये हम पहले कर चुके हैं। जब y कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा तो इसको मैं y के साथ करूंगा, यानी कि m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमने कब यूज करना, जब आपको ये कहा जाए कि पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड करता है। अगर बच्चों एक्सटर्नली कहा जाए तब हमने क्या करना है, जहां पर प्लस है वहां पर आपका माइनस हो जाएगा अगर वो एक्सटर्नली इसको डिवाइड करता है। एक हमने क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि इसी से बना था, अगर मिड पॉइंट हो तो ये इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, वन वन रेशो में डिवाइड करेगा, और जब m और n की वैल्यू वन वन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अभी आपका रहेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस वाई टू अपॉन टू, ये हमने क्लास टेंथ में किए थे। अब एक हमने किया था बच्चों सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल का कैसे फाइंड करेंगे, कोई ट्रायंगल हमें दी जाए सेंट्रोइड क्या रहेगा इसका, तो उसका हमने किया था सेंट्रोइड ऑफ आ ट्रायंगल, तो क्या था एक्स वन एक्स टू x3 थ्री अपॉन थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री, इनको ऐड करेंगे और थ्री से डिवाइड, ये हमने किए थे क्लास टेंथ में, इनका यूज यहाँ भी होगा। और एक हमने किया था अगर ट्रेंगल का हमने फाइंड करना हो एरिया, ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हमने कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला किया था। अब यहाँ पर भी हम कुछ यूज करेंगे, तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, इस प्रकार से था एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस को हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री लेके चले तो वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस 23, 31, 12, इस प्रकार हम उसको लर्न करते थे, वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री 23, 31, 12, यानी कि 12 का मतलब है y1 और y2 को माइनस करोगे y1 y2 को। तो ये हमारा फॉर्मूला था ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। अब ये बना कैसे था, हमने इसकी बात की थी, यहाँ पर जो हम क्वाड्रेट का फाइंड करेंगे एरिया, उसका हमने टेंथ क्लास में कैसे किया था, उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड किया, दोनों का एरिया निकाल के ऐड किया था। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला आपका रहेगा नया जो आपके पास होगा, किसी भी क्वाड्रेट का एरिया फाइंड करना हो जब हम उसके क्या दिए हों, वर्टिसेस दिए हों, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कोई भी दी जाए, ए बी सी डी पी क्या वाले कोई भी आपकी हो, जब चारों आपको वर्टिसेस दिए जाएंगे तो कैसे हमने इसको बनाना है, वन बाई टू यहां पर लेकर चलेंगे। अब कहां शुरू करेंगे, देखिए बच्चों एक्स वन स्टार्ट करोगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर और एक्स वन पर इसका एंड, ऐसे ही वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर और ये वाई वन। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान रखिए मॉडुलस है क्योंकि एरिया एक मेजरमेंट है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, इनको माइनस करना, फिर हमने क्या करना है इनको माइनस, फिर एक्स टू वाई थ्री एक्स थ्री वाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे, ऐसे ही एक्स थ्री को एक्स थ्री को वाई फोर से और वाई एक्स फोर को वाई थ्री के साथ इनको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से इसका भी हमने ऐसे ही यूज किया था, ये इसी से बनाया गया, ऐसे बनाया गया है। तो जब भी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेटर तो हम इसका यूज करेंगे, ध्यान रखना एक्स वन स्टार्ट होगा और एक्स वन पर एंड होगा, एक्स वन वाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स वन, फिर वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर और वाई वन आपका ये रहेगा। ये तो वो चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। अब जो बात हमने इस चैप्टर में करनी है, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं बच्चों। अब यहां पर हम जो जो टॉपिक आपका मेन रहेगा इनका हम यूज करेंगे सम को सोल्व करने के लिए। अब मेन आपका रहेगा यहां पर स्लोप ऑफ अ लाइन क्या रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपका ये है। और अब समझते हैं बच्चों स्लोप ऑफ अ लाइन क्या रहेगा, कोई लाइन आपको दी जाए
तो उसका स्लोप क्या रहेगा? तो मेन आपका टॉपिक ही रहेगा चैप्टर में, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब कोई लाइन हमें दी जाए, देखिए एक लाइन आपकी है एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश, ये आपका ओरिजिन। कोई लाइन हमें दी जाए एल, तो स्लोप क्या रहेगा बच्चों? स्लोप, अगर हम स्लोप की जनरली बात करें तो क्या होता है? ढाल, कितना झुकाव है। अब ये पेज को मैंने ऐसे किया और बिल्कुल स्ट्रेट के राइट एंगल, तो कितना इसका झुकाव है, कितना एंगल ये बना रहा होगा, स्लोप की बात अब करते हैं। डेफिनेशन क्या है? दो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपकी एनसीईआरटी से, एक हमने किसी अदर बुक से ली है। क्या है? द स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को छोड़कर हम बात यहां पर कर रहे हैं, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। अब जो वाई कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आएगा बच्चों? अपन यहां पर इस लाइन से मूव करना शुरू करें तो क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। या फिर आपके जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, अगर हम मान लेते हैं आपने थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, जो लाइन एल का जो इंक्लिनेशन, जो झुकाव है इस एक्स के साथ, उसको हमने मान लिया थीटा, इज कॉल्ड द स्लोप लाइन, इसको हम क्या कहेंगे? लाइन का स्लोप कहेंगे। किस लाइन का? एल लाइन का स्लोप कहेंगे। और स्लोप हम क्या लिखेंगे? एम से रिप्रेजेंट करेंगे, टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा जो आपका यहां पर फाइंड करेंगे आपका क्या रहेगा? स्लोप रहेगा। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर एक चीज का ध्यान हमने रखना है, जब हम बात करेंगे इस थीटा की, जो हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी रहेगी एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक हम चलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी रहेगी, तो वो आपका जो एंगल रहेगा उसको हम थीटा काउंट करेंगे। तो क्या रहेगा? द एंगल, देखिए ध्यान रखें, जो एंगल आपका रहेगा, द एंगल मेड बाय लाइन एल, द एंगल मेड बाय लाइन एल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद एंटी क्लॉक, जो एंटी क्लॉक आपका एंगल बनेगा और जो आपका थीटा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। किसी भी लाइन का नॉन वर्टिकल लाइन को लेकर यहां पर चलेंगे, वर्टिकल लाइन की बात आप यहां पर नहीं करेंगे। अब यहां पर जो एंगल रहेंगे, देखिए बच्चों, अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल बनाएगी 180 डिग्री का होगा, तो यहां पर एक एंगल हम यहां पर इसको लेंगे, यहां तक आपका रहेगा 180 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री रहेंगे, ध्यान रखिए दोनों का सम 180 रहेगा, सप्लीमेंट्री आपके रहेंगे, अपने ध्यान विशेष रखना है। जब भी आप बात करेंगे स्लोप की, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक हम उसको मेजर करेंगे, ध्यान रखें, अगर हम क्लॉक वाइज अगर चलते हैं तो आपका वो नेगेटिव होगा। हाँ, पर हम स्लोप की बात कर रहे हैं और स्लोप को जो एम से लिखेंगे, टेंजेंट थीटा, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा आपका यहाँ पर स्लोप आपका जो दिया जाएगा, और ये हमेशा क्या रहेगा? जीरो और 180 के बीच में लाई करेगा। अब बात करते हैं बच्चों, यहां पर देखिए हमने समझ लिया कि स्लोप क्या है। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की, अब इसका स्लोप क्या रहेगा बच्चों? अब एक्स एक्सिस की हम बात करें यहां पर, तो यहां पर जो आपका थीटा रहेगा, अगर कोई लाइन या तो एक्स के पैरेलल हो या तो इसके पैरेलल हो, अगर इसके कोई लाइन पैरेलल रहेगी, इसका स्लोप क्या रहेगा? थीटा क्या रहेगा आपका? जीरो रहेगा। तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू टेंजेंट जीरो, और टेंजेंट जीरो क्या रहेगा? जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा? जीरो, या कोई लाइन इसके पैरेलल हो तब भी क्या रहेगा? उसका भी स्लोप आपका रहेगा जीरो। अगर बात करते हम कोई लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि वर्टिकल हो एक्स के साथ, इसके जो लाइन पैरेलल आएगी कहीं से भी, तो क्या रहेगी? वो आपकी रहेगी एक्स के साथ परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहां पर स्लोप क्या रहेगा? तो यहां पर थीटा जो आपका रहेगा इस केस में आपका 90 रहेगा, और अगर मैं 90 यहां पर पुट करता हूं, तो एम इज इक्वल टू टेंजेंट 90, और टेंजेंट 90 आपको पता है नॉट डिफाइन, जब हमने टेबल की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम करते हैं, टेंथ क्लास में हमने किया, इलेवंथ में हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, यानी कि अगर वर्टिकल लाइन दी जाए कोई भी,
चाहे वो आपका वाई एक्सिस है या इसके कोई पैरल लाइन दी जाए तो उसका स्लोप क्या रहेगा, नॉट डिफाइन है बच्चों। अब अपने ध्यान रखें दो बात तक विशेष ध्यान रखें, जो एक्स एक्स का स्लोप रहेगा वो आपका रहेगा जीरो, और जो वाई आपकी रहेगी वाई एक्सिस उसका स्लोप क्या रहेगा, नॉट डिफाइन, या कोई लाइन इसके पैरल भी रहेगी तब भी क्या रहेगा, स्लोप आपका रहेगा नॉट डिफाइन। तो ये बच्चों का रहेगा स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लोप क्या रहेगा, तो हमने उसको समझना है। अब बात करते हैं बच्चों, देखिए अब दो पॉइंट हमें अगर दिए जाएं उनका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे, और फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात हम करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आपके यहां पर रहेंगे लाइंस की, तो कोई लाइन आपकी दी जाए अगर दो पॉइंट उस पर लाए करते हैं, मैंने दो पॉइंट लाइन पर लिए मान लीजिए, ये मैंने एक्स वन वाई वन और यहां पर मैंने लिया एक्स टू वाई टू, तो हमने स्लोप फाइंड करना है इन दो पॉइंट का, जो पॉइंट आपके इस लाइन पर दिए गए हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एम इज इक्वल टू, आप देखिए टेंजेंट थीटा आपका होता है, तो स्लोप जब भी दो पॉइंट आपको दिए जाए स्लोप निकाल क्या करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस में एक्स वन। तो अपने ये याद रखना, सिर्फ इसको ध्यान रखें, जब आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे अपने स्लोप फाइंड करना है, हम इसका यूज करेंगे बहुत बार यूज करेंगे इस चैप्टर में, तो हमने ये याद रखना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, किसी पॉइंट को आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, पहले अगर आपको कोई लाइन दी जाए, अब स्लोप की बात हम कर चुके हैं, अगर वो लाइन आपकी पैरेलल हो किसके एक्स एक्सिस के, या दो लाइन आपको पैरेलल दे जाएं, अगर दो लाइन आपको पैरेलल दे जाए तो स्लोप क्या रहेगा। अब बच्चों पैरेलल लाइन की बात करें हम यहां पर, अब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म हम यहां पर करने जा रहे हैं, कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अब हम यहां बात करेंगे दो लाइन अगर आपकी पैरेलल दी जाए तो क्या रहेगा बच्चों, यहां पर देखिए उनके बीच में एंगल क्या रहेगा, अगर दो लाइन आपको कहीं भी किसी भी क्वाड्रेंट में दी जाए पैरेलल, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। दो लाइन के बीच में एंगल क्या रहेगा, जीरो आपका रहेगा। अगर हम यहां पर जीरो लेके चलते हैं तो क्या आपका यहां पर आएगा, और बात हम पहले एंगल की भी करेंगे इसमें, पहले एक बार एंगल को समझ लेते हैं बच्चों, पहले इसके बाद समझेंगे इसको, पहले एंगल की बात करते हैं और फिर बात करेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की। अगर मैं एंगल की बात करता हूं, कोई भी दो लाइन आपकी दी जाए, आप यहां पर डायग्राम अलग से बना लेते हैं, अगर दो लाइन आपको दी जाए आपका वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका रहेगा ओरिजिन, दो लाइन हमें दी जाए कोई भी कैसे भी, उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, उस एंगल की बात हम अगर करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले दोनों लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। इसको लाइन को मैं एल एम ले लूं, तो एल लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं इसका स्लोप एम वन है, और स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, अगर दो पॉइंट आपको दिए जाएंगे उनसे फाइंड करोगे, और मान लेते हैं जो आपकी एम लाइन है इसको M के बजाय कुछ और नाम रख ले, यहां पर P रख लेते हैं, तो P लाइन का स्लोप क्या रहेगा, उसको मैंने M2 लिया, तो जो एंगल आपका यहां पर रहेगा, एंगल कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखिए अब एंगल का जो हमारा फॉर्मूला आपके पास रहेगा आपका रहेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, या M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 अपॉन वन प्लस M1 M2 और इसका मॉडुलस। तो यहां पर हम इसका यूज करेंगे, जब भी दो लाइन्स आपके दी जाएं उन लाइन के बीच में हमने निकालना हो एंगल, उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, पहले स्लोप फाइंड करने के बाद हम इसका यूज करेंगे। एक ध्यान यहां पर रखना बच्चों अपने, अगर आपको एंगल ऑलरेडी दिया हो और आपने कोई एक स्लोप निकालना हो तो आपने क्या करना है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू अपने यूज करनी है, लेकिन जब आप स्लोप निकालेंगे तब ये करना है। अगर एंगल आपने फाइंड करना है फिर आपने से पॉजिटिव लेकर चलेंगे, क्योंकि एंगल हम यहां पर लेकर चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो आपका रहेगा। अब बात करते हैं इसकी,
अब बात करते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल दी जाए, अगर दो लाइन कोई लाइन एल के पैरेलल हो तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा। व्हेन टू लाइन आर पैरेलल देन दे फॉर्म्ड जीरो डिग्री एंगल, तो यहां जो आपका एंगल रहेगा क्या रहेगा, जीरो डिग्री का रहेगा। अगर यहां पर मैं जीरो पुट करता हूं फिर क्या जाए, देखिए टेंजेंट जीरो इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अब टेंजेंट जीरो हमें पता जीरो होगा, एम वन माइनस में एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू एम वन माइनस में एम टू, किसी एक को इधर ले आए तो यहां सबका आ जाएगा एम वन इज इक्वल टू एम टू। एक रिजल्ट हमें मिल चुका, अभी ये आपने याद करना है रखना है। जब दो लाइनें पैरल होंगी तो उनका स्लोप क्या रहेगा बच्चों, इक्वल रहेगा। व्हेन टू लाइंस आर पैरल देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। यदि दो लाइन को हमें पैरल प्रूव करना हो तो उनका स्लोप हम इक्वल दिखा देंगे तो आपकी लाइनें पैरल प्रूव हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं अगर लाइनें पैरल ना हो तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर लाइनें आपकी कैसी हो, परपेंडिकुलर, तब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहां पर जो एंगल आपका रहेगा 90 डिग्री का होगा। अब एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। अब टेंजेंट 90 इक्वल टू यहां पुट करेंगे तो सेम एज एम वन एम टू अपॉन वन प्लस में एम वन एम टू। टेंजेंट 90 होता नॉट डिफाइन, क्या रहेगा नॉट डिफाइन। इधर आपका m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस नॉट डिफाइन को मगर चाहूं तो मैं कुछ ऐसे लिख लूं 1 अपॉन 0। ये आपको पता है कि जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे क्या होता है, वो नॉट डिफाइन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 0 से मल्टीप्लाई इधर इसको 1 के साथ करेंगे तो ये आपका 1 प्लस m1 इंटू m2 और इक्वल टू हो जाएगा 0। 1 इधर आ जाएगा तो m1 into m2 is equal to minus 1। एक रिजल्ट हमें और मिल चुका क्या, कि दो लाइनें अगर आपकी हो परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहेगा, माइनस वन के इक्वल, यानी कि m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। अब इसका यूज हम बहुत बार करेंगे बच्चों एक्सरसाइज में, कि जब दो लाइनें आपको परपेंडिकुलर दी हो तो क्या रहेगा उनका स्लोप, क्या रहेगा प्रोडक्ट उसका क्या रहेगा, माइनस वन के इक्वल। अब यहां से हम एक काम और कर सकते हैं, अगर दो लाइन हमें दी जाए परपेंडिकुलर किसी एक का स्लोप हमें पता हो तो सेकंड स्लोप कैसे निकाल लेंगे। अगर मान लेता हूं मुझे एम वन फाइंड करना है तो क्या होगा, इसके अपॉन में आएगा माइनस वन अपॉन में एम टू। यानी कि जब आपको कोई एक लाइन का स्लोप दिया हो और ये साथ में कहा गया है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर तो फिर क्या करेंगे, जो स्लोप आपको दिया उसका रेसिप्रोकल और उसका साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो आप ऐसे उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बातें ध्यान रख जिनका यूज हमने करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे बच्चों। अब बात करते हैं फिर कोलिनियर की। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। दो तीन या तीन से अधिक पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। अब चेक करते हैं कोलिनियरिटी, तीन पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, पॉइंट ए बी और सी। वैसे तुमने क्लास टेंथ में किया था इसको, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, हमने ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू जीरो प्रूव किया था, उससे किया था। अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे ट्रायंगल नहीं बनेंगे, उसका एरिया क्या रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। एक हमने डिस्टेंस से किया था, डिस्टेंस निकाल लें ए टू बी, बी टू सी और ए टू सी, क्योंकि दो का सम थर्ड के अगर इक्वल आता है तो पॉइंट्स आपके रहेंगे कोलिनियर। यहां पर हम स्लोप की हेल्प से करेंगे बच्चों, अगर पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए हैं तो क्या होगा ना, स्लोप इक्वल है, कैसे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए टू बी और बी टू सी जो पॉइंट आपको दिए गए हैं, अगर स्लोप उनका फाइंड करें और स्लोप इक्वल आ जाता है तो यू कैन से दैट
पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इनका यूज क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें प्रूव करना हो किसी भी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। अपोजिट साइड क्या रहेंगे इसकी, पैरेलल और इक्वल रहेंगी। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि प्रूव कीजिए विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कि ये पैरेललोग्राम आपके दिए गए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्लोप निकाल देंगे। अगर किसी दो लाइन का स्लोप इक्वल हो तो वो पैरेलल हो जाएंगी। मान लेते हैं ए बी सी डी, हमने ए बी का स्लोप फाइंड किया, स्लोप ऑफ ए बी, और ये इक्वल आता है स्लोप ऑफ सी डी के, और ऐसे हम फाइंड करें ए डी और बी सी का स्लोप फाइंड करें वो भी इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि अपोजिट साइड आपके पैरेलल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। एक हम यूज करेंगे, अब वैसे हम कर चुके राइट एंगल ट्रायंगल, अगर प्रूव करनी हो हमने किया था, डिस्टेंस निकाल लेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे, प्रूव कर सकते। लेकिन यहां पर यह कहा गया है जो हम संयुक्त में सॉल्व करेंगे कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, बिना पाइथागोरस यूज किए प्रूव कीजिए कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, तब क्या करोगे बच्चों। अभी हमने बात की थी परपेंडिकुलर लाइन की, अगर दो लाइनें आपके परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, उनके स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि m1 into m2 is equal to minus 1 की। अगर हम दो लाइन का स्लोप निकालते हैं, दो लाइन का स्लोप और मल्टीप्लाई करें और वो माइनस वन के इक्वल आ जाता है, तो यू कैन से दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो राइट एंगल बनाएंगी, और एक राइट एंगल किसी ट्रायंगल में है तो आपकी रहेगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस की ट्रायंगल आपकी कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन चैप्टर की रहेगी जो बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो हम चैप्टर में करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी उसके लिए रहेगी। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना, फॉर्म्स करनी है, इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी, उनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, स्लोप क्या है, किसी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, और परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, एक्स एक्स का स्लोप क्या रहेगा, वाई का स्लोप क्या रहेगा, और किन्हीं दो लाइन के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, और कोलिनियर पॉइंट कैसे हमने प्रूव करना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।